शांति। सभी बोलो ओम शांति। थोड़े थोड़ा तुम इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा और आधे, खाली जगह नहीं छोड़ो, खाली नहीं छोड़ो, तंग भी न बैठो। आओ तो नजदीक आ जा बहन, थोड़ा नजदीक आ जा। मुरली के पहले जो थोड़ा सार सुनाती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है। मुरली के बाद क्लास कराने का चांस नहीं है, मुरली के पहले। कल बाबा ने क्या सुनाया और आज क्या सुना रहा है, जो उनसे सुनने जी चाहता है वो सुनना है। अच्छा अभी भी सुनना रहता है तो आज बाबा ने कहा ओम शांति में सारा ज्ञान आ जाता है। फर्स्ट टाइम बाबा ने बोला है जे, सारे ओम शांति में ही ज्ञान आ जाता है। जिस तरह से बाबा ने हमको ओम शांति सिखाया है ना, किसने नहीं सिखाया। ये भी कईयों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, कराची में हम ओम शांति नहीं कहते थे, मन मना भव तो या यहाँ आ जा, ये मना अच्छा है, यहाँ बड़ा अच्छा ध्यान देता, अमृत ले अच्छा करता है, यहाँ बैठ जा, हाँ बहुत अच्छा। सबको मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, सबको दिखाओ, उठ उठ के खड़ा हो जाओ, देखो कैसा अच्छा है। देखा योग भी अमृत वेले बहुत अच्छा करता है, नहीं अच्छा लगता है। अच्छा तो कुछ भी होता, मन मना भव बस, लसु याद है, मन मना भव बस। जब बॉम्बे में बाबा आया ना, तो कोई राम राम कहते थे, कोई सतनाम सा कहते, कोई ओम नमो शिवाय, तो हम बाबा को कहा बाबा हम क्या जवाब दें, नमस्ते करते कोई कुछ करते, तो बाबा ने कहा बोलो ओम शांति। बॉम्बे में बाबा जब पहला बारी आया, एक ओम शांति तो सब बाप दादा शब्द भी बाबा का बॉम्बे में निकला है, बोले नहीं होता था। जब बाबा हॉस्पिटल में था तो बाबा अंदर है, बाहर लोग बहुत लोग होते थे ना और वार्ड में बैठे, तो कहते आपका गुरु जी है ना, हाँ मेरा प्रणाम देना ये करना। तो मैंने कहा, बाबा ने कहा कह दो मेरा बाप दादा है, बच्चीन से समझाना शुरू हो जाएगा। अच्छा तो आज मुरली बाप दादा की है, एक ओम शांति तो सब बाप दादा। अब बाप दादा समझाओ ना, अच्छा है, सारा ज्ञान शुरू हो जाएगा। वैसे दादा कहते हैं ग्रैंडफादर को, और हम दादा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को दादा, क्योंकि सिंधी में दादा कहते हैं बाप को, परंतु बाप दादा, पर ये बाप हो दादा। तो अच्छा समझाना इजी हो गया, ये कौन है, क्योंकि शिव बाबा का परिचय देना इजी है। ऐसे ऐसे करके करके देते जाओ देते जाओ देते, पर ब्रह्मा बाबा का परिचय देना अकल चाहिए। सारा ज्ञान
इतना ज्ञान सागर बाप दे रहा है, इसके जरिए इसके मुख से दे रहा है, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में ला रहे हैं, पर मुख से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं मुख से बोलते हैं, कोई पंडित बन के कथा नहीं कर रहे हैं, मुरली ऐसे नहीं सुना रहे हैं, कौन सुना रहा है, समझ के सुना रहे हैं, कैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आता है, तो दो बाप का परिचय, फिर तीन बाप का परिचय, फिर दो बाप का परिचय, दो एक लौकिक दूसरा परलौकिक, फिर ये लौकिक वो पर अलौकिक, अच्छा अच्छा कितनी अंदर से जो समझ मिलती है धारण करने से समझाने में बड़ा अच्छा लगता है। पहले कहेंगे तीन बाप तो मुझ जाएंगे, पहले बोलो दो बाप तो समझ जाएंगे, ये लोग के क्या वो पालों के ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, तो घरी घरी अंगुली ऊपर वाले की तरफ है, पर इतना ऐसी समझ कहां से मिली, ये है अलौकिक बाप, जो अलौकिक जन्म देता है, लौकिक बाप लौकिक जन्म देता है, परलौकिक तो सिर्फ आत्मा को जगाता है, अलौकिक बाप अलौकिक दिव्य जन्म देता है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे कहते हैं हाँ मेरा बाबा, जब तक समझ किसको नहीं मिली है नहीं निकलेगा बाबा, अब कितना भी किसको कोर्स कराओ समझाओ ऐसे निकलेगा बाबा, अपन को आत्मा समझे, जो बाबा बार अपन को आत्मा समझना, कौन समझा न, बाबा समझा नहीं रहा है, रियलाइज करा रहा है, तो आत्मा अभी क्या बहुत टाइम है, हर एक को बहुत टाइम है इसी मनन चिंतन करने का, समझा तो या ऊपर वाला खींचता है तो अपन को दे भूल जाता है, देखने से दे भूल जाता है, कोई देवबान भूलता है तब बाबा को याद कर सकता है, बच्चे कहे बाप को याद कैसे करे, बाप भूल जाता है, ख्याल आए ना योग नहीं लगता तो ज्ञान को ही मर्ज करो, इतना ज्ञान अच्छा, अपने जीवन को देखो ज्ञान क्या है, बाबा ने कहा है बीज और झार, जानते तुम जानते हो बीज और झार को, बस इस जब बीज को जाना, ड्रामा को जाना, बना बनाए ड्रामा हर धन वालों का अपना भी हर जन्म के फीचर सेम नहीं है,
पाठ भिन्न भिन्न है, पर ये गलती निकालना, नफरत करना भूल है। जब किसी से नफरत करते हैं ना, तो बाबा ने बड़ा प्यार से कान पकड़ा इशारा दिया है, किसे ज्ञानी तो आत्मा नफरत नहीं करते, जानते हैं ना, परंतु वो जानते हैं कल पहले मिसल हम वही है आत्मा बाहर जा रही है, फिर ये ज्ञान आता है। बाबा याद तो जो बाबा कहता है ना वो मान जाता है, मिलाता है, उसके लिए इजी हो जाता है। तो झार का नाल ड्रामा का नाल नहीं, तो कहते इजी बात नहीं है। ऐसे ऐसा आवाज निकला ना, ये सहज नहीं, ड्रामा के नॉलेज को जिसने नहीं बाबा को तो बाबा के बच्चे है ना, तो कब आज बाबा नफरत नहीं रखनी है। ओके, ऊंच पद पाना है ना, तो अपनी विचारधारा ऊंची ऊंची रहे, पद का आधार सारा इन पर है। सूक्ष्म चेक करे किसके पास इतनी भी जेलसी है ना, थोड़ी भी जेलसी है ना, अपन को भाग्यवान नहीं महसूस करेंगे। किसके पास इतनी जेलसी है, इतनी है, किसके पास इतनी है, किसी भी प्रकार से थोड़ी सूक्ष्म जेलसी है ना, तो हर्षित नहीं रह सकेंगे। पुरुषार्थ में उमंग उत्साह नहीं होगा, जेलसी है। जेलसी सबसे बड़ा दुश्मन है, सूर्यवंशी में आने नहीं देंगी, चंद्रवंशी तक भी रखेंगी, बस उसमें खुश करेंगी अपने आपको। तो जिसको सूर्यवंशी में आना है वो अंदर अपने आप को भाग्यवान, भावी, भगवान और भाग्य, भावी बनी परी है, भगवान मेरा साथी है, मैं भाग्यवान हूँ। इतनी ऊंची ऊंची बातों को छोड़, कम दर्जे वाली बातें को सोच, अपना दर्जा कम कर देना। बाबा नहीं, बाबा तो ऊंचा ऊंचा उठाता है, बच्चा ऐसी बातें सोच अपना दर्जा कम कर देता है। तो सीता लक्ष्मण वाला हाल हो जाता है, सीता लकीर से बाहर निकल गई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया। अरे हनुमान जैसा बनना है, मीठे बच्चे। सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पद्म भाग्य है, याद रखना आज का ओम शांति भवन में, हमारा पद्मा पद्म भाग्य है। जो पतित पावन बाप के बच्चे बने हैं उनसे हमें बेद सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न, तुम बच्चों को
किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है। क्यों? उत्तर, क्यों तुम भी जो झार को जानते हो, तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झार है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। चेक करना किसी को किसके लिए भी घृणा है क्या? नहीं, अच्छी पुरुषार्थी चेक करेंगे ना, कोई है क्या? तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे हैं वह कोई देख नहीं सकता। तुम्हें था खुशी है कि सारे विश्व पर राज करने वाली हम है, अंदर खुशी है। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की बुद्धि में है ना, कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य रूपी जार की, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति पालना पर विनाश कैसे होता है सारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। है टाइम सारी नॉलेज, उत्पत्ति पालना विनाश सारा बुद्धि में आ जानी चाहिए। जैसे वह जर जार होता है, ये चैतन्य है, बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं, वह सत्य है, चैतन्य है। अर्थात झार के आदि मध्यंकारा समझा रहे हैं, सत्य चैतन्य वो सारे झार के आदि मध्यंकारा समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं, उसके ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। तो पिता पिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं है ब्रह्मा को। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र भी बनाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है, पर कहते ब्रह्मा देवता है न मैं। अब तुम जानते हो इसे ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। अजय बाबा देखो एडवांस में बता रहे हैं, ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए, जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्मतम चला जाता है। जब संपूर्ण बन जापन चले जाता है सूक्ष्मतम में। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किसे पूछते हैं? आत्मा से पूछते हैं। आत्मा कहती है हमारा बाबा जिसको मालूम नहीं है किसने कहा, और कोई ये प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए है ना, बरोबर सबके दो बाप है, ज्ञान तो एक ही बाप देता है। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। सबको पता है ना, बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा, जिस्मानी ब्रह्मा बाबा का रथ है। दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। एक है जिस्मानी ब्रह्मा का ये रथ है,
दूसरा रूहानी बाप का ये जिस्मानी रथ है, तो रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा, ये बेहद का बाप है जिसे बेहद का वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? बेहद का बाप है जिसे बेहद का वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? पावन दुनिया का मालिक बनाता है। निराकार को बुलाते पतित पावन आओ, आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते हैं, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानते हो, वह पतित पावन बाबा इस तन में आया हुआ है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हम उनके बने हैं, ये सौभाग्य की तो क्या पद्म भाग्य की बात है, हम उसके बने हैं, सौभाग्य पद्म भाग्य की बात है। पुरुष बाप को भूलना क्यों चाहिए? इसमें बाप आए हैं बड़ी नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक ही बारी आते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्युग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए। उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा, 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे, ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते है। लक्ष्मी नारायण ने भी पुनर्जन्म लिया होगा, हाँ, अभी तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते है। सत्युग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है, वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, पर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते हैं। जब वाम मार्ग में गए तो देवता नहीं कह सकते हैं, कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उनकी महिमा पर अपनी निंदा क्यों करते हैं? महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र और अपन को पवित्र महसूस करते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे ऊपर पतित बने हैं, तुम जानते हो पावन से पतित बने हैं। ये रथ भी पतित है, रथ की महिमा कोई होती नहीं। तो स्कूल में पढ़ते हो उसमें नंबर वार फर्स्ट सेकंड क्लास तो होती है। अभी बच्चे समझते हैं, बाबा खुश होता है, दिख रहे बाबा सुन दिख रहा है, इतने मेरे बच्चे मुली सुन रहे हैं। मैं कभी अंदाजा बाबा मुली एक बारी बाबा मैंने कहा बाबा इतनी ऐसी ऐसी मुली चला रहे हो, बच्चे बहुत आने वाले बच्चे ना, उनको समझा रहा हूँ ना, पहले से ही आह्वान करके बैठा हुआ था, ये मेरे आएंगे आएंगे, अभी भी ऐसे ऐसे करके बुलाता है सबको को। हाँ कईयों को बाबा ने खींच के बुलाया है ना, अपने आप थोड़ी आए हैं, कोई आए है अपने आप, बाबा ने कैसे न कैसे पकड़ के बुलाया है। हाँ बच्चे समझते हैं बाप घर आते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है? ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जैसे मेरे को नशा है थोड़ा, अच्छा है नशा है ना, शुरू से देखा है ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कैसे आया, ब्रह्मचर्य कैसे अपना बनाया, कैसे पालना की, फिर कैसे सेवाओं पर भेजा, फिर ये किया, फिर आप लोग कैसे पैदा हुए, फिर कैसे बड़े हुए हो, क्या क्या कितनी कहानियाँ है।
तो आप में से जो गोपाल भाई तेरे को नशा है ना, मैं शुरू का हूँ, हाँ जानते हो ना कितने बाबा के बच्चे अच्छे से पैदा हुए हैं, अमी चंद भाई क्या समझते हो, तो आपसे ज्यादा हमको होगा ना, या तेरे को ज्यादा है या इनको ज्यादा है, कितने भाग्यवान है, एक भागीरथ में बाबा आया कितनों का भाग्य जगाया है, हाँ कितनों का भाग्य, जो जितने पुराने हैं उनको नशा ज्यादा है, नयों को भी अच्छा नशा चढ़ता है, वो तो ओढ़ने के लग पड़ते हैं। तो इसमें प्रवेश करता हूं तब इनका नाम होता है, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया, मनुष्य मूंझते तो जरूर है, बाप ने हमको समझाया है तब तुम औरों को समझाती हो, नहीं बाप ने हमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उन्हों का भी रचता शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है, परमपिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं उनकी ये रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, तीन चार होते हैं सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पाठ हरे का अपना अपना है, इतनी करोड़ें आत्माएं हैं एक का पाठ न मिले दूसरे से, ये वंडरफुल बातें समझी जाती है बहुत, एक का पाठ न मिले दूसरे से ये वंडरफुल बात समझी जाती है, ढेर कितने ढेर में तो कभी ख्याल नहीं आएगा ये ऐसे करता है ये ऐसे करता है, ये जो ख्याल आता है ना, सब अभी सबका चेहरा बता भाई, कभी ये ऐसे न करता है, ये फलाना ऐसे करता है, उस घड़ी कहाँ है बुद्धि कहाँ है, ये ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में नहीं है, ये वंडरफुल बातें समझी जाती है, कितने ढेर मनुष्य है चक्कर पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे बाबा, ऐसे जैसे मजा आता है बाबा, वैसे बाबा का चेहरा देखेंगे ना, मुझे एक फोटो ऐसा मिला है, मेरा बड़ा प्यारा फोटो मिला है, कैसे बाबा ज्ञान को अच्छी तरह से यूज किया है, सब वापस जाएंगे फिर से चक्कर रिपीट होता है, बाबा ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, ये भी नई बात नहीं है, समझा के नई बात नहीं है, कहते कल पहले भी समझाया था, बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, समझा के फिर कहता कल पहले भी समझाया था, नई बात नहीं है बाबा, बहुत अच्छा बच्ची कल पहले समझाया था, बहुत लवली बाप है, बहुत प्यार से याद करना चाहिए, तुम भी बाप के लवली बच्चे हो, आप में से मैं कभी प्रोग्राम बनाऊं कोई ऐसा अनुभव सुनाने लिए तैयार है, मैं बाबा को कैसे कैसे प्यार से याद करता हूँ, रखें कोई प्रोग्राम में से, टाइम है बाबा को भी याद करने का ना, बिजी बहुत हो, तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो ना, पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की कोई बात है ही नहीं, अभी तो कितना भेदभाव है, ये राम के भगत है ये कृष्ण के भगत है, राम के भगत धूप जगाते हैं तो कृष्ण के भगत नाक बंद कर देते हैं, ऐसे भी कुछ बातें शास्त्रों में है, वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वो कहे हमारा भगवान बड़ा,
तो भगवान समझ लेते हैं। तो रांग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं, कहीं ना बैर में प्रोग्राम में होता है ना, पर हम भगवान भगवान कहते हैं, गाड गाड कहते हैं ना, तो कहते हैं आप कौन से गाड को मानती हो ये बताएंगे आपका कौन सा गाड है, किसको मानती हो, समझाना पड़े समझाते हैं। अच्छा हमारा बड़ा, वह कहते हैं हमारा भगवान बड़ा, वह कहते हमारा भगवान बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। ये रांग होने के कारण सब अनराइटियस ही काम करते हैं, बाप समझाते बच्चे। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती है। अब तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुमको अपना और सारे चक्कर का परिचय दिया है, जो और कोई दे न सके, इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपन को कोई कह न सके, जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं हम ये कितना बड़ा ड्रामा है, उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार बजाते हैं, वे छोटे नाटक तो विनाशी है, ये तो अनादि अविनाशी है, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पार मिला है शरीर लेने और छोड़ने का और पाठ बजाने का, छोटी सी आत्मा है, इतना बड़ा पाठ है शरीर लेने का छोड़ने का और पाठ बजाने का। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अगर इसको कोई किसी गुरु ने सुनाया होता, इसको कोई गुरु ने सुनाया होता तो और भी फॉलोअर होते। सो एक फॉलोअर क्या काम का है, फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे, इनकी ड्रेस आ तो वह है नहीं, कौन कहेंगे मैं शिष्य हूं उसका, शिव बाबा कोई ड्रेस वगैरह तो है नहीं कितनी अच्छी ब्रह्मणी बात है, तो भी कोई नींद कर रहे हैं, इतनी रमणी की बातें सुनते, वंडरफुल बात है भाई, शिव बाबा कोई ड्रेस तो हुए तो उसका ये फॉलोअर है कोई ड्रेस उसकी, कितनी अच्छी बातें सुनाता है, मौज की है। जब ऐसे मूली सुनते थे ना हमको हंसी आती थी बहुत, भाई फॉलोअर को गुरु जैसा होता उसकी चेले की ड्रेस ऐसी होती है ना, कौन कहेंगे शिष्य है, ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की बारात कहते हैं, बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान, तुम सब सज्जनियां हो, नशा है उसको, तुम सब सज्जनियां हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने के लिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मदन को जानते हो, तुम बाप को याद करते पौत्र बन जाते हो, अब पौत्र राजा ही मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही अंत में हूं, मुझे बुलाते ये पति पावन दुनिया की स्थापना पति दुनिया का विनाश कराने आओ, इसलिए मुझे महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का मंदिर भी होता है, काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप
कितने ढेर आत्माओं को लेने लिए आया हुआ है। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो बाप भी ले चलेंगे गोद में, गुलगुल बन जाए बाप ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं, ध्यान रख रहे भी पाप रह जा पाप रह जाते हैं तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी ऐसा है जैसे बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो। कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में कृष्ण को छोटा देख जट गोद में उठाकर प्यार करते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है। समझा, हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब रांग है। तुम बच्चों को पहले पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, पिछारी में बहुत होंगे। ये ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ खुशी नहीं रहती है। भक्ति वालों को ये थोड़ी मालूम रहता है ज्ञान में कितना सुख है। भेंट कर न सके तो बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सवाय बाप के कोई ऋषि मुनि आदि भी दे न सके। लोक के गुरु तो किसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। जो कहे है आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूं। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। जानते ये हमारी रचना है, ये भी बाबा। जैसे बाबा बच्चे बच्चे कहता है तो ऐसे बाबा है तो बहुत है। मैर बाबा साईं बाबा मैंने देखा है, मैर वो थोड़ी बच्चे बच्चे कहता है बस। साईं बाबा को बाबा बाबा कहेंगे, मैर बाबा को बाबा बाबा कहेंगे, पर वो थोड़ी बच्चे कहता है। पर बाबा बच्चे बच्चे कहता है। इनकी प्रैक्टिस है, क्यों जानते ये मेरी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचता हूँ, तो सब भाई भाई हो, उनको पाठ मिला है। कैसे मिला है वे बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्म में कभी एक जैसे फीचर भी मिल न सके। थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है, तभी सत्तर जो तम होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से, ये सब समझने की बातें हैं ना। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चे। अभी सुनो और कान पकड़ता है। मीठे बच्चे बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है। बाप माना बाप, इस संशय हो न सके। बच्चा कह न सके मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूं। तुम घड़ी घड़ी कहते योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तो राज ऋषि हो तो पवित्र होंगे। ऋषि अक्षर पवित्रता का है, जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से राजा ही मिल न सके।
प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबर वार पद होते हैं ना, एक का पद न मिले दूसरे से, ये वेद का बना बनाया ड्रामा है। सब बाप के कोई समझा न सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप के बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारे बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर है वो प्राय लोप हो गया है, बाकी सब धर्मों के टाल टालियां खड़े है। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती है। बाबा आज घृणा को गहराई में लेके जा रहे हैं, समझा रहा है। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो पर पावन बनना है। तुम जानते हो तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते हैं, तुम हीरो ही रहने हो। विश्व पर राज पाने वाले हो तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पर आते हैं कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। वेद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजू भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला न सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक से दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाते हैं। वहां तो देवता ही पढ़ाएंगे, देवताओं को देवता ही पढ़ाएंगे। संगम जो कर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए, तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है, जब भी तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्य की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पराई पर कर, ज्ञानवान आज तक बनना और बनाना है। कभी भी बाप में पराई में संशय नहीं लाना है। दूसरा बाप सम्मान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, बुली में क्या करता है, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। इस खुशी में रहना है, कभी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करना है। हर एक का ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान संकल्प रूपी बीज को सदा समत बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव है। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो।
ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यत समाप्त हो जाए, जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधेरा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान है प्रकाश, व्यर्थ है अंधकार। इसे ज्ञानी तो आत्मा का हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो, जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहजी समर्थ हो जाता है। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन, सूर्यवंशी में जानना है तो योगी बनो नक्त योद्धे। एक ही शब्द में योगी बनो नक्त योद्धे। ओम शांति।